हाय फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास भी SBI बैंक का किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज करके आप बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल के मदद से बहुत सारे बेनिफिट या कैश अर्न कर सकते है। तो कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, सारे डिटेल्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके पास SBI बैंक का किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो अलग से बेनिफिट मिलता है, जो रिवॉर्ड बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को इसका अंदर इंक्लूडिंग नहीं है, वो आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने जिस ट्रिक को अप्लाई करके SBI क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे पैसा कमाते हैं, उस ट्रिक को यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप आगे जरूर देखिएगा। तो किसी भी ट्रिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए मत यूज़ करें। SBI क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके यहाँ पे कैश को पाने के लिए या पैसा को कमाने के लिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लेना है। अपना हिसाब से आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मोबाइल को चूज़ करेंगे, और ये जो मोबाइल है हम अपने फ्रेंड के लिए ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोटोरोला मोबाइल जो है हम इसको यहाँ पे बाय करेंगे। तो बाय करने के लिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट को आप लेना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट का डिटेल्स अपना हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे या सारे डिटेल्स चेक कर लेंगे। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ जो ऑफर के बारे में या डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, SBI क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। मतलब आपका पास जो क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप फ्लिपकार्ट से इस मोबाइल को परचेस करेंगे करंट टाइम पे, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट 1000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया गया है, इस डिस्काउंट को आप टोटली अमाउंट को अपने पास रख सकते हैं, या इस अमाउंट को अपने फ्रेंड या फैमिली जिसके लिए इस मोबाइल को ऑर्डर कर रहे हैं उसके साथ 50-50 करके यहाँ पे आप कैश को अर्न कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ चेक करने के बाद नीचे की तरफ बाय वाले ऑप्शन है, उसको ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे स्किप टू कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट और आपका जो डिलीवरी एड्रेस है, सारे डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ही आ जाएगा जो फाइनल पेमेंट पेज। तो फाइनल पेमेंट पेज में आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है, और आपको ऐसे जो पेमेंट है उस पेमेंट सही तरीके से कर पाएंगे तो आपका जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो मिलेगा। मतलब जो 1000 का बेनिफिट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे देख दिया गया, आप देख सकते हैं 1000 का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो। तो आपके पास SBI बैंक का किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे 1000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे आपको 5% कैशबैक देखने को मिल जाएगा। इस ऑफर को यहाँ पे ब्रेक कर देना है, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, क्रेडिट डेबिट एंड ATM कार्ड। तो अपना हिसाब से आप पहले से ही किसी भी कार्ड को ऐड नहीं करके रखे है, तो अपना जो कार्ड नंबर है, CVV है, एक्सपायरी डेट है, सारे डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। तो डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑफर या फिर डिस्काउंट दे दिया जाएगा। लेकिन मैं पहले से इस कार्ड को सेव करके रखे है, इसलिए यहाँ पे सेव ऑपरेशन उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड उसका ऊपर यहाँ पे ऑर्डर करेंगे तो 600 का यहाँ पे कैशबैक देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ आप चेक करेंगे तो SBI बैंक का जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से हम ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे 1000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ पे इन EMI उसके ऊपर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इस ऑफर को अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस ऑफर को आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे EMI कन्वर्ट नहीं करना है। आप EMI कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो कैशबैक है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है इसको ऊपर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे EMI कन्वर्ट करेंगे फिर भी आपका जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर EMI को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली 3 मंथ के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, चूज ए प्लान उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर सारे डिटेल्स मेंशन किया गया है और यहाँ पे जो इंस्टेंट डिस्काउंट वो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे अभी पे करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल पे करना है 11,107 रुपीज, लेकिन जो प्राइस था वो 11,999 रुपीज यहाँ पे टोटल प्राइस था, लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट लगभग 107 रुपया जो एक ऑफर होल्डिंग फी 49 रुपया और जो डिलीवरी चार्ज है वो 59 रुपया टोटल यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, तो CVV को डालने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 100% ऑर्डर हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने पर यहाँ पे 300 का सुपर कॉइन दे दिया गया है जिसका वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 300 रुपीज। ठीक है, वो चेक करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 11,107 रुपीज, यहाँ पे टोटल अमाउंट का हमने पे किया है। तो इस तरीके से सारे डिटेल्स दे दिया गया है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपना जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप यहाँ पे कैश अर्न कर सकते हैं। लेकिन वीडियो का लास्ट में आपको बताएंगे ये जो ट्रिक है, आप ज़्यादा टाइम यूज करेंगे तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये जो ट्रिक है इस ट्रिक को अप्लाई करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो आपका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट वो भी ब्लॉक हो सकता है। तो किसी भी ट्रिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए ज़्यादा यूज़ मत करें, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए मत यूज़ करें, थोड़ा बहुत यूज़ आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड के लिए आप इस ट्रिक को इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। Thanks for watching my video.